हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल सॉल्यूशन। लेटेस्ट अपडेट के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वोटर इन्फॉर्मेशन एंड वोटर लिस्ट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम खुद से ही वोटर डिटेल्स, मतलब कि एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और कौन से बूथ में हमको वोट डालना है, तो ये सब जानकारी हासिल कर सकें, और साथ ही साथ कैसे हम वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी पार्ट का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा। ये आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन पर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में जाके आपको लिखना है NVSP, उसके बाद एंटर देना है। देखिए, पहला वाला जो साइट है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे हम एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर हम जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ देखिए सर्च इन इलेक्ट्रल रोल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, सर्च बाय डिटेल्स यानी कि आपको नाम देना होगा, फादर्स या हस्बैंड्स नेम देना होगा, एज, जेंडर, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको देना होगा। और दूसरा ऑप्शन है एपिक नंबर, सर्च बाय एपिक नंबर। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको सर्च बाय एपिक नंबर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिर्फ आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसका नंबर आपको देना है। देखिए मैंने यहाँ पे मेरा वोटर कार्ड नंबर दे दिया है और यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने ये मेरा वोटर कार्ड नंबर ज़रा ब्लर करके रखा है, हाइड करके रखा है सिक्योरिटी रीजंस में। तो उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे कोड यानी कैप्चा यहाँ पे एक देना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। देखिए अभी नीचे देखिए ये हमारा डिटेल आ चुका है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है व्यू डिटेल्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए वोटर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका स्टेट, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री, उसके बाद नेम, जेंडर, यहाँ पे एपिक नंबर, ये यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर और पार्ट नेम, यहाँ पे आपका जो जिस स्कूल पे आपका बूथ होगा तो उस स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा। मैं ये पूरा इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको पार्ट नंबर याद रखना है वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए। और राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तो और BLO नेम, सब आपको, सब ऑफिसर्स का नाम आपको दिखाई देगा विद कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है ये इसको आपको यहाँ से प्रिंट करना होगा, प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे आप अपना एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर और कौन से स्कूल में आपका बूथ होगा ये आप जान सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है कैसे हम वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पार्ट का कैसे वोटर लिस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए
ये टैब क्लोज करूँगा और आपको होम पेज में आना है, nvsp.in के होम पेज में आना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल PDF, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते ही आपको जो स्टेट वाइज जो इलेक्शन का वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक ले जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम, मतलब कि उस स्टेट का कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका वोटर लिस्ट में नाम है। तो मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद AC, मतलब कि AC नंबर आपको याद रखना था, तो यहाँ से मैं AC सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर आपको याद रखना था, तो पार्ट नंबर के वाइज मैं सर्च करूँगा। और यहाँ पे देखिए सपोज़ इस पार्ट का मुझे वोटर लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल। तो आपको फाइनल वोटर लिस्ट के लिए आपको फाइनल रोल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा आएगा, इसको आपको देना है। उसके बाद वेरीफाई, देखिए यहाँ पे वोटर लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि ये थोड़ा लार्ज साइज का डॉक्यूमेंट है, तो ये थोड़ा टाइम आपको ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट किया था, इसलिए पूरा जो इंटरफेस है ये यहाँ पे बंगाली पे है। आपके स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से देखिए सारे जो वोटर लिस्ट है तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ऐसे आप पूरा पार्ट का जो वोटर लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिलीटेड लिखा हुआ है, मतलब कि जो नाम डिलीट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम में बहुत ही हेल्प करेगा और ये सबसे आसान तरीका है आपका वोटर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो जाने से पहले और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।